जैसे ही नशा में हम धुत हो गए, वो देखे कि एक व्यक्ति अंदर आए और मेरे साथ क्या किया मुझे पता नहीं। जब हम होश में आए तो देखे कि मेरा बदन से कपड़ा नहीं है। जब भी नहीं आओगी तो वायरल कर देंगे, यही धमकी देते कि हमको घर पे अपना भक्ति थी। इंजेक्शन का, फोर्टिन का नशा लगा दी थी। आदर्श मंत्री जो हैं और विधायक हैं, उनसे ज़्यादा कंसल्ट उनका रहता था। मंत्री विधायक आते थे उनके घर पे। और भी लड़की लोग हैं जिसका लाइफ वो बर्बाद कर चुकी। अकॉर्डिंग रखे वो ब्लैकमेल नेता लोग को करके बहुत पैसा मोटा रकम देते हैं। मनीष नाम का जो लड़का है वो गर्लफ्रेंड के तौर पे बाहर से लड़कियां फंसा के लाता था। बहुत बड़ी लेडी हैं जो बोर्डिंग रोड की हैं, ठीक है, उनकी माध्यम से लड़की लोग भी आती थी। उनका नाम है अनुराधा। तो सुना आपने, यकीन करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन पटना के पटेल नगर की रहने वाली इस लड़की की माने तो सच यही है। जी हाँ, जिस लेडी डॉन को पटना पुलिस ने रंगदारी के मामले में गिरफ्तार किया है, असल में वो गोरे जिस्म का काला कारोबार चलाती थी। वो भी एक या दो महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से राजधानी के बेहद पॉश इलाकों में से एक बोरिंग रोड के अपार्टमेंट में। खुद नैना की माने तो प्रतिमा सिंह उर्फ लेडी डॉन के जाल में अब से 7 साल पहले यानी साल 2011 में फंसी थी। उनके घर में आना जाना हुआ मेरा 2011 से, ठीक है। वो हम अपनी माँ के थ्रू जाते थे और उनके घर में एक बच्ची थी, उसी के माध्यम से आते थे जाते थे, ठीक है। वो बोलती थी मासी आप आइएगा तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हम जाते थे। तो वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा नशा वसा यूज़ करते थे, ठीक है। तो जब भी जाया करते थे उनके यहाँ तो चाय वाय में नशा का दवा दे देती थी और उसके बाद हमको नींद आने लगता था तो सो जाते थे। सोने के बाद वो बहुत, उनके यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं। उसी सिलसिले में वो किसी से हमको बातचीत करके रखी थी और जैसे ही नशा में हम धुत हो गए, वो देखे कि एक व्यक्ति अंदर आए और मेरे साथ क्या किया मुझे पता नहीं। जब हम होश में आए तो देखे कि मेरा बदन से कपड़ा नहीं। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर नैना के जिस्म के साथ लेडी डॉन और उसके शागिर्दों ने पूरे 2 सालों तक खेल खेला और मासूम नैना लोक लाज के डर के मारे अपनी आबरू को बंद कमरे में लुटाती रही। हर बार ये सोचकर कि कभी तो ये सिलसिला खत्म होगा। बकौल नैना, इस दौरान लेडी डॉन के घर पर कई मंत्री और नेता जी का भी आना जाना रहा। वो आते और फिर नई नई लड़कियों के साथ अपनी हवस की भूख मिटाकर चले जाते। नैना की माने तो लेडी डॉन ने सफेद पोशों का भी MMS बना लिया था, जिसके बूते वो न सिर्फ उनसे मोटी रकम वसूलती थी बल्कि अपना मनचाहा काम भी करवाती थी। बहुत लोग मंत्री जो हैं और विधायक हैं, उनसे ज़्यादा कंसल्ट उनका रहता था। मंत्री विधायक आते थे उनके घर पे, जैसे में हो गए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, नाम नहीं मैं बताना चाहती हूँ। वो लोग का भी रिकॉर्डिंग रखे, वो ब्लैकमेल नेता लोग को करके बहुत पैसा मोटा रकम लेती थी। नैना ने बोरिंग रोड की रहने वाली अनुराधा नाम की एक महिला का भी नाम लिया है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वो भी लेडी डॉन के फ्लैट पर नई नई लड़कियों को लाती थी। लेडी डॉन के सबसे खासम खास में से एक मनीष को तो इसी काम के लिए रखा गया था कि वो नई और भोली भाली लड़कियों से दोस्ती गाठे और फिर उन्हें इस कदर मजबूर कर दे कि उनके इशारों पर वो चाहकर भी किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर होने का विरोध न कर सके। मनीष नाम का जो लड़का है वो गर्लफ्रेंड के तौर पर बाहर से लड़कियाँ फंसा के लाता था, ठीक है, और यही काम करवाता था। एक बहुत बड़ी लेडी हैं जो बोर्डिंग रोड की हैं, ठीक है, उनकी माध्यम से लड़की लोग भी आती थी। उनका नाम है अनुराधा। कब आते थे आदमी ये सब? रात में आते थे। रात में आते थे, दिन में भी ये लोग आते थे, जेंट्स लोग जो रहते थे। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस बार उसकी शिकायत को लेकर कितनी गंभीरता दिखाती है, क्योंकि अब नैना के मुताबिक लेडी डॉन के क्लाइंट या फिर यू कहें कि उसके शिकार मंत्री जी और नेता जी भी हैं। अजय भारत के लिए पटना से रोहित यादव की रिपोर्ट।